दीपावली समाप्त हुई, जितने भी बच्चे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी में फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, उनकी दीपावली इस बार की खास रही। जो बच्चे एक या दो नंबर से या कुछ पॉइंट में छट गए हैं या उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो भी घबराए नहीं। वैकेंसी जो है वो आएगी, क्योंकि ये चुनावी साल है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, महंत योगी जी, मुझे पूरा विश्वास है अपने नए नवयुवक नौजवान मुख्यमंत्री से कि वो हम सबकी पीड़ा को समझेंगे। इस बार का जो पीजीटी टीजीटी की परीक्षा जिले स्तर पे हुई, उसमें उतना मज़ा नहीं आया दोस्तों। तो खैर, घबराइए नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना काल है, बच्चों को ज़्यादा दूर सेंटर नहीं दिया जा सकता था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जिले स्तर पे इस परीक्षा का आयोजन हुआ। जो भी हुआ ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से आगे बढ़िए और जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है, उनको कॉलेज अलाटमेंट हो चुका है, वो अपने कॉलेज का भ्रमण कर लें, देख लें, क्योंकि यही उनको जो है शिक्षा का कार्य करना है, शिक्षक बन के जाना है, एक नए समाज का शुरुआत करना है, नए समाज बनाना है। तो आप अपने नए जिम्मेदारियों के लिए अब घर से लौट आइए। सबसे पहले तो आप जिस जिले में आपका विद्यालय है, उस जिले के DIO से संपर्क करें, DIOS यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। यहाँ जब आप जाएंगे तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पैनल जो है इसी DIOS ऑफिस में पहुँचता है, और वहाँ जा करके उनके क्लर्क से ये पता करें कि उनका पैनल वहाँ पहुँचा है कि नहीं। अगर पैनल पहुँच चुका है तो क्लर्क से रिक्वेस्ट करके आप अपनी जो नियुक्ति संबंधित कागजात हैं, लेटर हैं, उसको आप ले लीजिए। जो आपकी प्रति है वो आपको वहाँ का क्लर्क दे देगा। जो प्रतिलिपि कॉलेज को जाना है, मैनेजर के नाम जाना है, वो बाई पोस्ट वहाँ से जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी वाली प्रति है, अगर आप उसको ले करके जाकर मैनेजर साहब को, अपने स्कूल के मैनेजर साहब को दिखाएंगे, तो वो जो है ये समझ जाएंगे कि आप ही व्यक्ति हैं, आप ही का नियुक्ति जो है वो इस कॉलेज में होना है, तो वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। कार्रवाई में यही होता है कि मैनेजमेंट का एक मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में आपके नाम की संस्तुति की जाती है, और फिर जो है उस मैनेजमेंट से, उस मीटिंग से ये पारित कराया जाता है कि आप की नियुक्ति इस कॉलेज में हो रही है। इसमें 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो मैनेजर साहब अपने जो प्रतिलिपि है, जो पोस्ट से आने वाली है, उसका इंतजार करेंगे, लेकिन इसी बीच वो अपनी जो कार्रवाई है, जो गतिविधियां हैं आपकी ज्वाइनिंग संबंधी, वो शुरू कर सकते हैं। जब उनको प्रतिलिपि मिल जाएगी तो फिर आपको उसके 1-2 दिन के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग में लेट ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी आपकी, उतनी ही जल्दी आपकी पेमेंट भी वहीं से, उसी दिन से शुरू हो जाती है। और पेमेंट आपकी तभी मिलेगा जब आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज हैं, उनका
सर्टिफाइड हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं ये लोग कि वेरिफिकेशन दो स्तर पे होता है, या तो प्रिंसिपल साहब स्कूल से करवाएं या फिर डीआरएस ऑफिस में डीआरएस साहब करवाएं। तो जिस यूनिवर्सिटी से या महाविद्यालय से या विद्यालय से महाविद्यालय से जो आप डिग्री बीए हाई स्कूल इंटर वगैरह किए हैं, जिस बोर्ड से किए हैं, उस बोर्ड में आपका एक लेटर डीआरएस का पहुंचता है, साथ में जो जेरॉक्स आपका मार्कशीट का या डिग्री का रहता है वो भी उसके साथ जाता है, और वहाँ से वो वेरीफाई करते हैं कि ये व्यक्ति जो है आपके यहाँ इनरोल्ड हैं नहीं है क्या है, उससे संबंधित वहाँ से रिटर्न सूचना आती है। सब कुछ ठीक होने पर आपका जो है पेमेंट की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। उसके बाद से आप जो है जब ज्वाइनिंग आपका सर्टिफिकेशन पूरा हो गया, वेरिफिकेशन पूरा हो गया, एक साल तक प्रोबेशन पीरियड में आप रहते हैं, उसके बाद आप परमानेंट टीचर माने जाते हैं। तो इस संबंधित जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसको समझ लीजिए, और अगर कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, इस पे संपर्क करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा, खोजूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 6200885827, ये है मेरा मोबाइल नंबर, तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसी के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।